हेलो, नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आ गई हूँ इस सुंदर सी जगह पर। और जानते हैं मेरे साथ कौन है? जी हाँ, कौवे जी। आपके पास भी हैं कौवे जी आपकी किताब में। और ये कौवे जी थोड़े परेशान हैं, इन्हें लगी है प्यास। अरे, इन्होंने तो घड़ा भी ढूंढ लिया, लेकिन घड़े में पानी नीचे है। ओहो, कंकर डाल डाल कर ये तो पानी को ऊपर ले आए और खुशी से पीकर चल दिए अपने काम पर। वैसे ये कौवे जी प्यासे थे, इन्हें भूख भी तो लगती होगी ना, तो आगे अब ये क्या करेंगे ऐसा आप भी कहानी में जोड़ सकते हैं। अरे, कहीं ये कौवे जी पानी पीकर आपके घर पर तो नहीं आ गए हैं? जाइए जाइए, जल्दी से देखिए, शायद ये कौवे जी आपके घर के बाहर ही बैठे हैं और कुछ कर रहे हैं। अब बाहर जा ही रहे हैं तो क्यों ना कुछ फूल पत्ते डंडियां भी इकट्ठी करके ले आए और अपने दोस्तों के साथ मिलकर इनसे कोई आकृति बना दें। आकृति जैसे तितली बना दें या कोई पेड़ बना दें या आपके मन में जो आकृति आ रही है वही बना दीजिए। अब आप जो आकृति बनाएंगे वो तो होगी मजेदार, सामने आपको किताब में भी कुछ आकृतियां नजर आ रही हैं। देखिए तो इस चित्र में, ये कौन उड़कर आ रहे हैं और देखिए कोई नाच भी रहा है। क्या आप इस चित्र से कुछ चीजें पहचान सकते हैं? जैसे मुझे दिख रहा है एक पेड़। इन चित्रों में से पहचान कर जल्दी से उनके शब्द लिख दीजिए। और जब शब्द लिखे हैं तो क्यों ना वाक्य भी साथ साथ बना ही डालें। पेड़ से मैं सोच रही हूँ यह एक पेड़ है। कैसा रहा वाक्य? ऐसे ही आप अपने मन से वाक्य बनाइए। ये तो हुई कहानी और शब्दों की बात, लेकिन आज मेरे पास एक मजेदार कविता है और इस कविता में आप कौवे जी के बहुत सारे दोस्तों के बारे में मुझसे सुनने वाले हैं। लेकिन मैं केवल उनकी आवाज ही बताऊंगी, अब आप ही पहचानिए उनकी आवाजें सुनकर कि ये कौन परिंदा। कौन परिंदा बोले चू चू, कौन परिंदा गुटर गू, कौन परिंदा पीहू पीहू, कौन परिंदा कुकड़ू कू, कौन परिंदा बोले काव काव, कौन परिंदा बोले कूहू कूहू, कौन परिंदा बोले टे टे, नकल उतारे खूब हू। जी, इसमें आए हमारे कौवे जी के ढेर सारे दोस्त और बार बार एक शब्द आया। वह शब्द है कौन, जिसका अर्थ तो आप जानते ही हैं। क्यों ना इस कविता में सभी कौन शब्द पर हम गोला लगा दे। अरे, ये क्या इतना सुंदर पेड़ और उसके पत्ते, उन पर तो लिखे हैं अक्षर। इन अक्षरों को जोड़कर क्या हम कोई नया शब्द भी बना सकते हैं? जी हाँ, चलिए कोशिश करते हैं और इन शब्दों को जोड़कर बना देते हैं कुछ नए नए शब्द। अब शब्द लिखने के बाद क्यों ना हम एक कविता बनानी सीखें जिसमें कुछ शब्दों के जोड़ देने से हमारी कविता पूरी हो जाती है। मैं आपको कविता की शुरुआत बताती हूँ और आगे आगे आप जोड़ेंगे उसमें शब्द। तो तैयार है? हमने तीन चीजें देखी कविता को पूरा करने के लिए। चलिए मैं शुरू करती हूँ। हमने तीन चीजें देखी बाबा, तीन चीजें देखी, हमने तीन चीजें देखी बाबा, तीन चीजें देखी। हमने बाग में देखी मकड़ी, वो खा रही थी ककड़ी, उसके पास पड़ी थी लकड़ी। हमने तीन चीजें देखी बाबा, तीन चीजें देखी।
अब आगे इस कविता में आप जल्दी से कुछ मजेदार शब्द जोड़ दीजिए और आप भी इसे मेरी तरह गाइए अपने दोस्तों के साथ, बड़ा मजा आने वाला है। अरे मुझे तो कुछ अक्षर दिख रहे हैं और उनके शब्द दोस्त भी। जरा देखें ये कौन से अक्षरों की बात हो रही है। ठ, ध, ढ और श। और यहाँ पर हैं बहुत सारे शब्द जो अपने घर, अक्षर घर को ढूंढ रहे हैं। जैसे एक शब्द है ठाट, उसमें हमें सुनाई दिया ठ, तो चलिए ठाट को ले चलते हैं ठ घर में। इसी तरह से आप बाकी शब्दों को पढ़िए और उन्हें उसी अक्षर के घर तक पहुंचा दीजिए। और इसके बाद थोड़ी सैर करने भी जाना बनता ही है, तो क्यों ना आप बाहर जाएं और अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें और उन्हें पहचानने की कोशिश करें। अरे आप उनका चित्र भी बना सकते हैं और उस चित्र के साथ कुछ शब्द भी लिख डालिए और इसे कक्षा में सभी को दिखाइए। तो जब तक आप बाहर जाकर उन पेड़ पौधों के चित्र बनाइए, मैं आपसे फिर मिलूंगी। अलविदा।